हो गए। फिर क्या होगा, यहाँ पे तो सारे काउंटर्स बंद हो चुके हैं एंड बस एक होप बाकी है। गाइस एक बैड न्यूज है कि हम जा रहे हैं वापस घर एंड थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं आकाश भी। वेलकम टू माई ब्लॉग, कैसे हैं आप सब लोग। सो न्यू ब्लॉग, न्यू स्टार्ट विद अ फ्रेश फेस एंड यस, मैं और आकाश जा रहे हैं बांद्रा कुछ काम से गाड़ी के, क्योंकि कल हम लोगों को कहीं निकलना है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग अभी एंड यस, अब आपको मिलते हैं वहीं पर। करा लेते हैं अपने गो 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 वॉक, देखो कितना छोटा सा लगता है ये चलता हुआ। गोगो चलो, गंदे काम नहीं, चलो। देखो गाइस कितना छोटा सा लगता है ना चलता हुआ, पिद्दी सा। ये एक्चुअली है भी छोटा ही, मिनिएचर डॉग है ये। हाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है, कर लो तुम। इसका ना ऐसा है, जहां जहां मैं चलती रहती हूँ बस मेरे पीछे 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 चलता रहता है। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं बांद्रा एंड अब आपको दिखाते हैं बांद्रा, जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग मुंबई से नहीं है मेरे व्यूअर्स जो बाहर से है, और चलो थोड़ा सा मुंबई दर्शन आप लोगों को करा दूं। मौसम कितना अच्छा हो रहा है शाम को, ऐ ही था कोई। सो गाइस हम लोग हैं जुहू में एंड जो भी पीछे आपने आदमी देखा वो पता नहीं कौन ही था, आकाश ने मुझे ऐसे दिखाया जैसे कोई बहुत ही फेमस आदमी हो। क्या अमिताभ जी, हेलो, हाउ आर, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। खाना खा के जाना। अरे नहीं नहीं भाई, ये अमिताभ जी को कहना चाहिए खाना खा के जाना। कंस्ट्रक्शन चल रहा है अमिताभ जी के घर, क्या बना रहे हैं, गेट बड़ा कर रहे हैं। अमिताभ जी का नाम सुन के मुझे भी दिखाओ बिग बी का घर कहाँ है, मुझे भी दिखाओ मुंबई में रहकर मैंने नहीं देखा। सो गाइस इस साइड है जुहू बीच, जो कि मुझे आकाश अभी तक एक बार भी नहीं ले गए। सो घूमने फिरने वाले लोग आए हुए हैं, पूरी भीड़ लगी हुई है अच्छे से। इतना ही दिखाया मैंने आपको, इतना ही क्योंकि मैंने देखा है आज तक, बस इस रोड से ऐसे निकल जाते हैं हम लोग भी, इतना ही देखा है। सो गाइस हम लोग आ गए हैं खार डंडा, खार डांडा, एंड यहाँ पे एयरपोर्ट, गजदर बांध और रहेजा कॉलेज। गाइस हम लोग आ गए हमारी डेस्टिनेशन पे एंड आकाश गए हैं बाहर थोड़ा सामान लेने, आपको दिखा। यहाँ थोड़ा सा कार रिपेयर का काम चल रहा है, हम भी उसी काम से आए हैं दरअसल। गाइस गोगो को देखो, पीछे इसने कोई अंकल को देख लिया है, वो इसको आई थिंक खिला रहे थे ये वाले, एंड ये उन्हें देख देख के गुर्रा रहा है। गोगो गंदी बात है, अच्छा नहीं करते ना, गोगो गंदा बच्चा है क्या। सो गाइस देखो ये है जुहू बीच एंड यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है एंड जुहू बीच के जस्ट साइड में है थोड़ा सा खाने पीने का एरिया, साइड में नहीं है जुहू बीच पे है, एंड ये रमाडा एंड ये है मुक्तेश्वर टेम्पल शिव जी का, और इसके जस्ट सामने है स्कॉन टेम्पल। स्कॉन टेम्पल तो हम लोग घूमने आ चुके हैं मैं मम्मा और दी, मुक्तेश्वर टेम्पल हम नहीं आ पाए थे उस दिन क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। सो जय श्री कृष्णा, मिलते हैं फिर आपको कान्हा जी। गाइस हम लोग आ गए हैं घर एंड अब मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, गोगो ने मुझे बहुत परेशान किया रास्ते में। सब चलते हैं घर जल्दी से एंड देखते हैं, इसको खाने का भी टाइम हो गया है तो इसको खाना देती हूँ। तो गोगो का खाना हो गया रेडी, इसको खाना खिला देते हैं। वेरी गुड, कर दे काम। फूडी फूडी टाइम, फूडी फूडी टाइम, फूडी फूडी टाइम। चलो फूडी फूडी, नहीं नो no.
सो गाइस डिनर हो गया कंप्लीट एंड कल हमारी फ्लाइट है आफ्टरनून की, सो उसके लिए मेरी पैकिंग चल रही है एंड कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को रास्ते में ही पता चलेगा। सो ये चल रही है मेरी पैकिंग एंड अभी चल रही है, मतलब हुई नहीं है कंप्लीट। पैकिंग कर रही हूँ मैं अपनी एंड साथ में आकाश के भी कुछ कपड़े अरेंज कर रही हूँ, क्या क्या ले जाना है अभी बताएंगे ये मुझे। और कुछ गिफ्ट्स रख लिए हैं हमने रिलेटिव्स लोगों के लिए, सबके लिए एंड बाकी। सो गाइस पैकिंग हो गई है खत्म एंड अब बस जल्दी से सोने की तैयारी करते हैं एंड आपको मिलते हैं कल। The next morning. हम लोगों के रेडी, जैसे कल रात को मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारी पैकिंग चल रही थी एंड यस बस अब फ्लाइट का इंतजार हो रहा है एंड हम लोग रेडी हो चुके हैं। आकाश अंदर है, वो बैग्स वगैरह सब बाहर लेके आ रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं एंड यस सो एयरपोर्ट चल के आप लोगों को मिलते हैं। चलो जी निकल लिए हम, हो गई हमारी पैकिंग शैकिंग सारी, हम हो गए रेडी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग कि आप लोगों को क्या लगता है हमारा ट्रिप कहाँ का है। सो गाइस हम लोग एयरपोर्ट जस्ट पहुंच चुके हैं एंड काफी लेट हो गया है, 2:30 बजे की फ्लाइट थी हमारी एंड 1:40 हो चुका है अभी। सो अब हमें बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। सो मिलते हैं आपको एयरपोर्ट पर। तो गाइस एयरपोर्ट आ गए हम लोग एंड काफ़ी लेट हो गया है, जल्दी से सामान उतार लेते हैं। लेट हो गए अब तो फीलिंग आ रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बजना चाहिए, धड़ धड़ भाग भाग सा। कहते हैं ना लेट होते हैं तो हर जगह इतना टाइम लगता है, वही सेम चीज़ हमारे साथ हो रही है। इतनी देर हो गई है आगे, पता नहीं क्या चेकिंग चल रही है, देखते हैं फ्लाइट मिल पाती है या नहीं, काफ़ी लेट हो गए अभी। हर जगह हमें भीड़ मिलने वाली है, बहुत सुपर लेट। फिर क्या होगा, यहाँ पे तो सारे काउंटर्स बंद हो चुके हैं एंड बस एक होप बाकी है, तो लेट्स सी आकाश ट्राई कर रहे हैं अपने बेस्ट। गाइस एक बैड न्यूज है, हम लोगों का फ्लाइट मिस हो गया है एंड थोड़ा सा परेशान है हम लोग क्योंकि लॉस हो गया हम लोगों को अच्छा थोड़ा सा। सो लेट्स सी नेक्स्ट फ्लाइट कैच करेंगे अब, थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, अच्छा खासा टाइम पे पहुंच जाते ना यार इसीलिए बस, बट कोई नहीं लेट्स सी अब नेक्स्ट फ्लाइट कौन सी है। फाइनली फ्लाइट अभी तो नहीं मिल पाएगी हमें, सो हम लोग प्लान कर रहे हैं अब कल निकलेंगे। सो अभी हम जा रहे हैं वापस घर एंड थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, आकाश भी चलेगा अब घर ही जाएंगे, बस कल मॉर्निंग की फ्लाइट शायद, देखते हैं अभी किस टाइम की मिलती है, चलो घर चलते हैं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर एंड थक गए घूमते घूमते एयरपोर्ट पे, वैसे बाद में भी इतना लेट हो गया, शुरू में भी लेट हो गया। सो यस क्योंकि आई थिंक अंधेरी का जो रोड है वो बंद पड़ा है, सो उसकी वजह से हम लोगों को बहुत लेट हो गया रास्ते में ही एंड फिर वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन थी, फिर वहाँ भी लेट हो गए। सो आज यू कैन से बैड डे था आज एंड यस अब देखते हैं कल का प्लान क्या करते हैं, कल की टिकट्स होंगी या आज की शाम की, अब कुछ नहीं पता है। सो आप लोगों को बताऊंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक देखते रहिए, बाय बाय।